एलिमिनेशन। खबरें आ रही हैं, अभी सोर्सेस से अपडेट आ रही है कि प्रियंका चहार चौधरी जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, प्रियंका चहार चौधरी को सबसे ज्यादा वोट मिल रही है और अभी ये चीज बताई जा रही है कि प्रियंका चहार चौधरी तीसरे नंबर पे बाहर हो चुकी है। एमसी स्टैंड का तो सिर्फ और सिर्फ प्रैंक किया गया था, यानी कि प्रियंका जो है टॉप टू भी नहीं बनी है। यानी कि इतना ज्यादा डंका बज रहा है हर जगह पर, प्रियंका शिव प्रियंका शिव प्रियंका शिव बात हो रही है और इवन टॉप टू की बात हो रही है, और वहां पर अभी खबर ये आ रही है कि प्रियंका टॉप टू भी नहीं बनी, प्रियंका जो है एलिमिनेट हो चुकी है। भाई अगर ये खबर सही है तो बहुत बड़ा घपला जो है वो बिग बॉस ने किया है। बिग बॉस के ऊपर तो ट्रस्ट ही नहीं रहा अगर ये चीज की है, क्योंकि बिग बॉस अगर 15 की हम लोग बात करें तो बिग बॉस 15 में जो है लास्ट में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक शेषपाल थे। हालांकि भाई करण कुंद्रा को भी नहीं लोग मान रहे थे, तेजस्वी प्रकाश को भी नहीं मान रहे थे लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अब जो है प्रतीक शेषपाल जो है बिग बॉस 15 के विजेता बन जाएंगे। पर वहीं पर इतना बड़ा शो उनको ऑफर हुआ था नागिन 6 और उसके बाद जो है उनको विजेता बना दिया गया। तो आखिरकार ये काफी ज्यादा मतलब शॉकिंग था उस वक्त भी, अभी भी जो है काफी ज्यादा शॉकिंग है, मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है, प्रियंका फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होगा कि प्रियंका जो है तीसरे नंबर में बाहर हो गई है। भाई अगर ये बिग बॉस ऐसा कर रहे हैं ना, तो बिग बॉस के ऊपर जो है बहुत जल्दी जनता जो है ट्रस्ट उठा देगी। बिग बॉस की टीआरपी इतनी ज्यादा हाई आई है ना, इसीलिए ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हालांकि ये पूरे सीजन अपनी मनमर्जी करते हुए आए हैं, तो थू हर जगह पर होगी और बिग बॉस का बहुत जल्दी पत्ता साफ हो जाएगा अगर ये खबर सही है। पर मैं कुछ ही देर में आप लोगों को कंफर्मेशन आपके लिए पहुंचाऊंगी अपनी वीडियोस के जरिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।